अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और आज हम लोग मौजूद हैं साउथ पंजाब में। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और हम लोग इस वक्त हाईवे पे हैं और यहाँ पे हमें बड़ा मजेदार किस्म का सेटअप नजर आया। यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई है जिसके अंदर और भट्टी भी है जिसके ऊपर वो लोग कढ़ाई रख के जो है वो ताज़ा गुड़ तैयार कर रहे हैं। गन्ना आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गन्ने हैं, गन्नों की काश्त हुई है, उसको छील के गन्ने को उससे यहाँ पे गुड़ जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो पिछले साल हम आए थे मुल्तान एंड वी एंडेड अप एक्सप्लोरिंग ऑल दीज श्राइन्स और टूम्स और बहुत मजेदार चीजें हमने की थी। आज हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे और मेरे ख्याल से डीपर जाने की जो मेन वजह है वो ये क्योंकि मुल्तान की हिस्ट्री जो है वो बहुत कदीम है, बहुत रिच है और एक वीडियो में मुल्तान को मेरे ख्याल से कवर करना या एक्सप्लोर करना जो है वो नामुमकिन था। तो इसलिए आज की वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल अंदरून मुल्तान, यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो विजिट करें। शुरुआत हम ले रहे हैं यहाँ पे रोड साइड गुड़ की, मेरे ख्याल से फैक्ट्री से, छोटी सी फैक्ट्री है। तो चलते हैं फिर जल्दी से, आप लोगों को दिखाते हैं कि गुड़ तैयार करने का क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आज से पहले हमने भी कभी गुड़ तैयार होते हुए नहीं देखा। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है भाई, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद, मोहम्मद अख्तर भाई की कारखाने में मौजूद है। तो इनसे पूछेंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस हमें समझाएं कि किस तरह से ये गुड़ तैयार किया जाता है। गन्ना मेरे हाथ में, तो शुरुआत यहीं से होती होंगी अख्तर भाई। जी गन्ना जो है ना उधर जो आप देख रहे हैं क्रश में लग रही है सामने, आपको कैमरा मैन दिखाया। जी जी जी, उधर गन्ना लगाते हैं, इधर रस निकालते हैं। अच्छा, इसमें डालते हैं रस ताज़ा, सही, और इधर शिफ्ट करते हैं एक मरतबा। अच्छा, इसमें जो है ना कचरा वगैरह निकाल के इसमें डालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको टेन कहते हैं। अच्छा, और नीचे आपने क्या लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाई? इधर वो जो आग डालने वाला है उधर से डलती है आग। अच्छा, इसको भी सेक, तो वही जो गन्ने का कचरा होता है उसी को जलाते हैं। उसी को जलाते हैं। देखा हमारे पास है एक बढ़िया जड़ी बूटी, उसको कहते हैं गौजवान। अच्छा, वो डालते हैं इसमें कचरा वगैरह, वो एक साइड पर लगा देते हैं और इसमें डालते हैं, इसमें भी उनको काम करते हैं और उससे निकाल कर इसमें डालते हैं, इसको फिर जो हम फेंक देते हैं। अच्छा, तो अख्तर भाई ने हमें ये बताया कि ये फ्रेश गन्ने का रस निकालते हैं, पहले वो ब्लू ड्रम में जाता है, उसके बाद वो रस जो है वो इसमें आता है और इसके नीचे जो है वो आग जल रही होती है, उसमें से जो भी कचरा वचरा निकलता है वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकते हैं और फिर यहाँ से जो मेन चीज़ निकलती है वो गन्ने का रस होता है वो जाता है बड़ी सी कढ़ाई में उठा, उसको फिर आप लोग पकाते हैं। उसको पकाते जब तक 80 किलो वजन होते हैं और पकाते पकाते वो बन जाता है 20 किलो, बाकी सब खत्म हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, और उसके बाद इसमें निकालते हैं। तकरीबन इसको कितनी देर लगती है? तकरीबन 30 मिनट लग जाता है। 30 मिनट सही, वाह। और उसके बाद इस तरह से मिलाते हैं गाना, और इसके बाद जो अब ये गर्म पड़ा है, जी जी, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद इसको जो ऐसे जो है ना हम ये लगाए, इसको हम देसी कहते हैं, रोड़िया भी कहते हैं, इधर से पकड़ इसके बाद जो है कमाल प्रोसेस है। तो गुड़ थोड़ा सा मैं ट्राई करूँ, ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ है, वाह 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 वाह, बिल्कुल शहद की तरह मीठा है। तो बड़े मीठे नोट पे ये वीडियो स्टार्ट हुई है और अब हम जाएंगे मेन मुल्तान की मार्केट। दिस सनसेट इज सो अमेजिंग, लेट्स कीप गोइंग। हमारे इर्द गिर्द ये चहल पहल और ये रौनक और ये गहमा गहमी देखिए, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग अभी किसी मार्केट या किसी बाज़ार में मौजूद हैं। तो भैया ये ना तारिक रोड है ना ये गुल प्लाजा है, ये है मुल्तान का हुसैन आगाही बाज़ार जो कि मशहूर ज़माना है, दूर दूर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं और मुल्तानी तो मेरे ख्याल से इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। एक साल पहले यहाँ आए थे दिन के वक्त और इसमें बिल्कुल अलग सीन लग रहा है कि अलग बाज़ार है, लाइक द लाइट्स आर ऑन और बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कपड़ों से लेके यहाँ पे मुझे चादरें वादरें मर्दों के और औरतों के मलबूजात, उसके अलावा यहाँ पे हाफिज रबड़ी और जो यहाँ पे सोन हलवा मिलता है ये सारी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें भी नज़र आ रही हैं जहाँ पे ये कोहिनूर और कुंदन के जो झुमके होते हैं वो भी हैं। अच्छा, उसके अलावा हम लोग आए किस लिए हैं, मतलब मेन हंट क्या है हमारा? फेमस हैंडमेड खुद से लें और मुझे जुड़
चौधरी भी देखनी है। अच्छा, उसके अलावा मुझे सलीम शाही देखनी है क्योंकि मुल्तान की आपको पता है हाथ की कढ़ाई वाली सलीम शाही जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो मुझे वो चाहिए। ढूंढते हैं, देखते हैं, चलते हैं आगे, थोड़ा सा कोई दुकान वकान नजर आती है हमें या नहीं आती। यहाँ पे ये हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा भी मिल रहा है भाई, ये कैमरा है अंकल। ये इलाके का नाम है मल्लक कमंगरान, मल्लक कमंगरान। अच्छा, ये इस इलाके का हां कशिदाकारी वाले हम खुद कमंगर हैं और इस जगह पे रहने वाले हैं। अच्छा, अगर आप सलीम से कुछ चाहिए तो घंटे घर की सैड पे जाएंगे सिविल अस्पताल में, तो वह आपको वहाँ मिलेंगे। अगर थोड़े बहुत दो चार दुकानें हैं तो आल हुसैन मार्केट चलिए, इधर कुर्सी की दुकान। अच्छा अंकल, उसके अलावा ये जो हाथ की कढ़ाई वाली चीज़ें जो होती हैं मुल्तानी हैंडीक्राफ्ट, वो कहाँ मिलेंगे? आप पैसे मिलेंगे, ये आप मेन बाजार जाएंगे जी, ठीक है, हाथ पे अठारह ठीक है, आगे आगे चले जाना, आगे चले जाओगे तो आगे वहाँ से पूछ लेना बाटा सर्विस वाली गली कौन सी है, ठीक है, उस गली के अंदर आप चले जाएंगे ना तो सारे हाथ की कढ़ाई वाले सूट भी हैं, दुपट्टे भी हैं, कढ़ाई वाले कुर्ते वगैरह सबकी फुल फॉर्मेलिटी आपकी बाटा वाली गली। हाँ, बाटा सर, बाटा सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुरके लेना थे, ये मुल्तान के बुरके आएंगे, हमारे पापा ने बनाया ये। अच्छा अंकल, मैं तो पहनता नहीं हूँ आजकल, ये तो पहनती है जैसे हालात आ रहे हैं आजकल, तो मर्दों को भी पहनना चाहिए। मैं पहले पहनना, अरब कंट्री में देखो सारे पहने हुए। बहुत शुक्रिया अंकल, अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। आई थिंक कोई सीक्रेट गली हमें मिल गई है यहाँ पे, यहाँ अंदर ही बाइक है बट दिस लिटरली नो प्लेस टू स्टैंड। अस्सलाम वालेकुम, ये कुंदन के झुमके जो होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? अच्छा, सूरत कुंदन की ज्वेलरी मिल गई है। मुल्तान का कुंदन भी बहुत फेमस है, एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है, तो ये बाबा जी कितने का करेंगे आप हमारे लिए? बेटा 550 रुपए का। 550, ये तो आप कराची वाले रेट बता रहे हैं, कराची वाले रेट ये बता, मेहमानों वाले बताएं थोड़ा। ये हमारा 450 का आता है, 550 रुपए है, ऐसे ही बेटियों वाला है, हम 100 रुपए कमाएंगे आपसे, क्या कर कमाएंगे। अच्छा, बहुत खूबसूरत है अभी, ठीक है बाबा जी, मैं मार्केट घूम के आती हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। हाथ का काम है, हाथ से बना हुआ है, ये बावलपुरी कुंदन होता है, बावलपुरी कुंदन, इसमें और भी वैरायटी है। शुक्रिया। सो टाइम, गली में बाइक भी आ गई है यार, पाकिस्तान है, बारिशों में कश्तियां भी आती होंगी। So we found a shop जहाँ पे कढ़ाई ही कढ़ाई है, इसका लेकिन कोई मुल्तान की स्पेशल चीज़ दिखाएं, शॉल या कोई कपड़े, सारा हैंडमेड है। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ये सिर्फ दुपट्टा पे? कौन सी दुपट्टा? लहदा होता है, ये देखें, ये थोड़ा कम, ये कम रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पतला है ना, बिल्कुल पतला है। काम की नफासत है, हाथ लगा के देखिए, यू सी कि इतना इंटेंस, मतलब पता नहीं कितना अर्सा लगा होगा। ये कौन करता है एम्ब्रॉयडरी? खवातीन करती हैं। हर डिज़ाइन में आपको कलर मिलते हैं, ये 1800 के एक बैरी का अलग। आप मुनासिब रेट करेंगे तो फिर हम लेंगे, चले दे देते हैं आपको, पसंद तो करें ना, जो गुंजाइश होगी कर। यहाँ पे आई कुड नॉट रेजिस्ट, तो मैंने दो कुर्ते लिए हैं, एक ये पिंक वाला सिलेक्ट किया है बिकॉज लिटरली ऐसी हाथ की कढ़ाई आई जस्ट हैवंट सीन इट एनीवेयर, और मुझे ये बहुत पसंद, इनफैक्ट तानी को ज़्यादा पसंद आई है। ये हमें मिला है 2000 में, ये हमें मिला है, ये 2200 का कहा था आपने, 2000 लगाए, 25 में कहा था 2000 में, और ये 1800 का कहा था, 1600 कह रहे हैं। हाँ जी, फाइनल मुनासब था, इसलिए कहा था कि मैंने कहा शायद क्वांटिटी में ले लो आप जी, लेकिन फिर इसमें स्पेशल थोड़ी सी डैमेज हो गई है शॉपिंग, इवन तो मैंने आज लिमिट लगाई हुई थी अपने आप की शॉपिंग से, लेकिन मुल्तान में रिजिस्ट नहीं कर सकेंगे आप शॉपिंग। लेडीज बस भाई, बहुत बहुत पैसे खर्च कर दिए, छोटी बच्ची का मिल जाएगा मुल्तान में, हमारा दिवालिया निकल जाएगा इस तरह, तो चले बहुत शुक्रिया।40 साल पुरानी
आपको ऐसे बताया आपने इसके 1800। ये देखिए ये फुल धूले के जूते भी मिल गए। बच्ची की चप्पल मिलेगी पसंद कर ले, प्राइस कर देता। ये बहुत खूबसूरत है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये छोटा भी है साइज, लेकिन वैसे ये भी सही है। अभी ये बड़ी हो रही है, ये थोड़ी बड़ी हो रही है, पांव बाहर तो नहीं निकल रहा, पांव बढ़ना इस वजह से। हां हां सही कह रहे हैं, वरना पैर को काटता है। हां मोजे पहन के सही हो जाएगा, ये चीज पांव में ना काटेगी ना जख्म करेगी। इनाया मैडम ने शॉपिंग कर ली है मुल्तान से, बहुत खूबसूरत खूबसूरत ले लिए हैं, कुछ इंटायरली हैंडमेड। ये एक एक नग हाथ से लगा हुआ है, तो मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम अपने हेरिटेज और अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये हम ले लेंगे 500 रुपये में। सिंड्रेला का देखिए जूता आ गया यहाँ पे, ये वाला आपको मिलेगा 800। तो भाई ने हमें बताया है कि रियल कुंदन की पहचान ये कि वो मतलब जैसे वो जुड़ा होता है कुंदन, दैट्स हाउ यू टेल। जो फेक होता है उन्होंने शीशा चिपका होता है ग्लू से, वो नज़र आ जाता है। मतलब जो रियल कुंदन है वो एक्चुअली मोटा सा नज़र आता है आपको, कि लाइक काइंड ऑफ लाइक अ बीड, वो नज़र नहीं आता जहाँ चिपका हुआ है, बिल्कुल प्योर जो चीज़ होती है बिल्कुल। तो हमारी तीनों चीजें हो गई, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, खुद से और जूते और ज्वेलरी। अब बहुत भूख लग रही है एंड आई नीड टू ट्राई सम डोली रोटी और मुल्तान, लेट्स गो। तो हुसैन अगाही में शॉपिंग करने के बाद और थक हार के हमें अब शरीर भूख लग रही है, और यहाँ पे हमें एक पुरानी यासीन दही बल्ले हाउस के नाम से दुकान नज़र आई है, और लोगों ने यहाँ के जो मकामी उन्होंने यही कहा है कि भाई यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ की जो रिवायती डोली रोटी होती है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यहाँ के दही बल्ले भी खाइएगा। और उनसे पूछते भी है कि किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा बताइएगा प्रोसीजर इसका। हमेशा हमने सुना है कि भाई यहाँ मुल्तान की डोली रोटी बहुत मशहूर है, कभी खाई नहीं है, तो आज खा के भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखा देंगे किस तरह से बनती है। थोड़ा सा चखाइएगा यार, बहुत शुक्रिया। खाने आए थे हम डोली रोटी, लेकिन उससे पहले हमें दो स्पेशल चीज़ मिली। ये यहाँ के स्पेशल खट्टे आलू हैं, बिल्कुल लाल रंग का रंग, और इसमें लोटस बे भी है, और जो कि यहाँ मतलब इंडस्ट्री में भी लगा होता है लोटस। और ये है दही बल्ले, और यहाँ के दही बल्ले बहुत स्पेशल है। तो ये है वो स्पेशल लोटस लीफ जो यही मिलता है, ट्राई रहा है। वाह 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 वाह, 50 रुपये की ये चाट। अच्छा बे भी है और इसके साथ आलू भी है, या खाली बे है, मिक्स है? बे और आलू मिक्स किया हुआ है, सॉलिड। अच्छा शॉपिंग में चाट जरूरी है, जहाँ भी आप पाकिस्तान में हो, और थोड़ी भूटान की शॉपिंग में गर्मी थोड़ी लगती है, ठंडी ठंडी चाट बड़ी मजे की लगती है। खट्टे आलू जो है वो नहायत मजे के, मुझे लग रहा है उसमें खटाई डाली हुई है, चटनी बटनी है, बहुत मजे की। एक और प्लेट लेनी पड़ेगी, ओह वाओ, दे रियली स्पाइसी, बिल्कुल ये मीठे टाइप नहीं है, दे रियली रियली गुड। खट्टे आलू बताते हैं आप कैसे वाली साहब, कोई खास मसाले डालते हैं इसमें आप लोग? सीक्रेट है ना, बता नहीं सकते। इसमें ये बे कहाँ से आता है? ये आता है वैसे तो ये पानी के नीचे उगता है। जी जी बिल्कुल, ये जो दरिया है बिल्कुल कहाँ से आ रही है? कमल के जो फूल होता है तो सब मंडी से लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे जग भर के चने आ रहे हैं। जो खाने आए थे वो अभी तक नहीं ट्राई किया। ये बाजी चने भी डाले हैं साइड पे। अच्छा ये मैं अपनी अम्मी आपको चने भी बड़े पसंद है। तो भैया यहाँ पे भाई मेहरबान हो गए, उन्होंने खट्टे आलू और बे के साथ हमें गर्मा गर्म चने भी दिए, जो कि नहायत लजीज है, बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल गले हुए हैं,
और जैसे मुर्ख चने होते हैं ना बिल्कुल वैसी मजा आ रहा है। अच्छा मुझे लग रहा था डोली रोटी लाइक इतनी बड़ी रोटी होगी, दिस इज द रोटी एंड पहले तो मैं इसको बाइट सेल्फ ट्राई करूँगी। बिल्कुल ऑयली नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई और अच्छी लग रही है। अंदर से ये देखिए वाइट कलर की है, बाइट से ब्राउन। अच्छा ये मीठी है, मीठी है। हाँ अब मैं चनों के साथ ट्राई करूँगी। ओह दैट इज सो गुड, दैट यू हैव टू ट्राई दिस। बाकी में लाजवाब है भाई, मतलब इतनी देर शॉपिंग करने के बाद और थकने के बाद इस तरह की चीज़ जो है ना वो चाहिए होती है आपको। और ये मुल्तान में ही आपको मिलेगी, मैंने ये कहीं और नहीं देखी डोली रोटी। इनफैक्ट आई हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज, लेकिन बहुत अच्छी क्रिएशन है, बड़ी मजेदार क्रिएशन है। एंड आई एम गोना मिस एवरीथिंग गो फ्रॉम हियर। अच्छा ड्राई फ्रूट वाली बनती है, वो स्पेशल होती है। मैदा, चीनी, सौंफ। अच्छा और दूध, दूध वूध भी डलता है, अंडे भी डलते हैं। अंडे भी डलते हैं, वो जो दूध वाली बनती है वो लाते हैं, आटा भी दूध दूध से गूंथते हैं। अच्छा मजा आ गया। ₹15 तो ये ₹15 इज नॉट बैड, मतलब ₹100 में बहुत सारी आ रही है। तो मजेदार किस्म की डोली रोटी खाने के बाद और खट्टे आलू खाने के बाद यहाँ। अच्छा ये क्या है भाई, गांव वाले को क्या ये क्या कोई वाली बनती है? अच्छा अच्छा ट्राई करवाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा दही भी रखा हुआ है साथ साथ। ओह यार ये तो हाफिज़ की टक्कर की है, जैसे वहाँ पे हाफिज़ स्वीट पे मिठाइयाँ विठाइयाँ बहुत मज़े की है, लेकिन बहुत अच्छी है। तो हाँ उससे बाहर ही है वैसे, वाकई में उससे बाहर है। ये कैसे आप लोग कुएं से बनाते हैं दूध को पका पका के? ये लाजवाब है भाई। तो ये अच्छा ये कहाँ किस जगह ये, थोड़ा सा अगर लोग आना चाहें उनको बताइएगा। वो सामने घंटाघर है, यहाँ पे खिलौनों की दुकान है और दही बल्ले की दुकान है, उसके साथ ही ये कोने पे बिल्कुल बैठे हुए। तो अगर आप लोग मुल्तान आ रहे हैं या मुल्तान के हैं तो यहाँ पे आके भाई की जो है ना ये मज़ेदार किस्म की रबड़ी इन्जॉय करें, बहुत मज़े की है।